एक आह्वान पर इस प्रकार से ये जो सारा देश के अंदर देखने को मिला उस सब में आप सब लोगों ने बड़ा सहयोग किया। और मैं विशेष करके आप सबसे निवेदन करूंगा, ये जो हमारे प्रभावित लोग हैं, मैं कभी शंकराचार्य जी को पढ़ता था कि जब जो है शरीर खत्म हो जाता है तो लंबा श्लोक है उसको नहीं बोलूंगा, वो कहते हैं कि उसके बाद भाग्या पिता तस्मिन काये, जब प्राण चले जाते हैं तो पत्नी भी उस शरीर से घृणा करने लगती, जल्दी जल्दी ले जाए इसको नीचे, क्योंकि ज्यादा देर लगेंगे शराब आ जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा, फिर कुछ को डर लगता भूत लग जाएगा। तो भाग्या भी करती, पति हो या पत्नी हो या बच्चा हो कोई भी हो, मर गया सांस चले गई तो ले जाओ। लेकिन यहां मैंने देखा, मैंने अनेक लोगों के अस्पताल में फोन किए, अनेकों प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, बहुत लोग मेरे पास आते थे, बात कराते थे, साहब आप जरा बात कर दीजिए डॉक्टर साहब से। तो मैंने देखा कि वहां माँ जाने को तैयार नहीं, बच्चा कोविड से भी भर्ती है, पिता जाने को तैयार नहीं, पत्नी जाने को तैयार नहीं है। आप कल्पना कीजिए ऐसे समय में मेरे डॉक्टर, मेरे नर्स, मेरे कर्मचारी रात दिन काम करते रहे तो क्या भगवान से कम है क्या? और इसके साथ साथ जिन लोगों ने जो शहीद हो गए, जो अपना शरीर खो बैठे, जो अपना जीवन गवा बैठे, ऐसे लोगों के बच्चों को हम में से अनेक लोगों ने पालने की कोशिश की, उनको सहयोग करने की कोशिश की है। मैं उनको भी करुणा वीर ही मानता हूँ और आप सबसे भी अनुरोध करता हूँ कि हमारे समाज में कहीं भी इस प्रकार के बच्चे हो, इस प्रकार के परिवार हो जिनको सहयोग की जरूरत है, तो निश्चित रूप से हम सबको सहयोग करना चाहिए। यदि मुझे भी किसी को कहने की जरूरत पड़े, आप मुझे बताइए कि आप इनके लिखाई से सहयोग करिए, मैं भी उसमें अपना कोशिश करूंगा कि, क्योंकि आजकल बहुत से ऐसा फंड है, दूसरा है, लोगों के पास चीजें हैं, तो आपको करने की जरूरत है, हम कहाँ से कर सकते हैं ताकि ऐसे जरूरतमंदों को, जिनको आवश्यकता है, जो वास्तव में नीडी है, ऐसे लोगों को हम सहयोग कर सके, पुण्य कमा सके। मुझे आप सब लोगों को इस अवसर पर और आप सबके साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ तो आप हम सबको ये शक्ति दें कि भविष्य में इस प्रकार के कोरोना जैसी, कोविड जैसा पेंडेमिक ना आए, आए भी तो हम मिलजुल करके एकता मंच के साथ, एकता के साथ इसका मुकाबला कर सके, जैसे सारा इस दर्शन काम कर सके। मैं आप सब भाई बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पिछले दो वर्षों से हमने सब देखा कि काफ़ी सामाजिक संस्थाएं, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने बिना स्वार्थ के काम किया। तो एकता मंच के द्वारा हमने एक छोटी सी कोशिश की कि किस तरह से जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे जिन्होंने बिना स्वार्थ लोगों के लिए सेवा दी है, उनको हम लोग प्रोत्साहन करने के तौर पर किस तरह से उन्हें एक मुंबई कर की तरफ से एक उनका आभार प्रदर्शन करें, इसलिए कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। उसके साथ साथ ऐसे बच्चों को भी हमने मोटिवेट किया जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स गंवाने के बाद जो दुख उन पर, दुख का पहाड़ गिर पड़ा था, उस वो दुख के साथ भी उन्होंने 75% के ऊपर मार्क्स प्राप्त किए, चाहे वो SSC एग्ज़ाम्स हो, HSC हो या ग्रेजुएशन हो। तो ऐसे बच्चों को भी हमने हौसला अफजाई करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था। समाज में जितना भी हम सबका योगदान होता है, चाहे छोटे तरीके से क्यों नहीं, लेकिन हर एक ने अपना अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो कहीं वक्त आता है कि जब हमें भी समाज को लौटाना चाहिए, जिस तरीके से क्यों ना हो, चाहे छोटे तरीके से क्यों नहीं हो, लेकिन ज़रूर करना चाहिए।